बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत आप सब बखूबी वाकिफ हैं, इस नाम से जाना पहचाना सा नाम है, इनके ड्रामों को लेकर, इनके लटके झटकों को लेकर और इनके आए रोज कोई ना कोई कारनामे करतब जो है वो मंजरे आम पर आए होते हैं। जब इनको लगने लगता है कि हाँ मैं अब जो है मीडिया से आउट हो रही हूँ, स्क्रीन से आउट हो रही हूँ, तो ये फिर कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे देती हैं जिसकी वजह से ये फिर जो है वो जबान पर आ जाती हैं। राखी सावंत को दिल के मर्ज में जो है मुबतला हो चुकी हैं, राखी सावंत को कैंसर की तशखीस भी हो रही है और राखी सावंत के जो किडनीज हैं वो भी काम नहीं कर रहे। जब ये घर पहुंचते हैं तो इनको सीने में बहुत शदीद तकलीफ महसूस होती है, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसके बायस इनको हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, एडमिट किया जाता है, वहाँ पर इनकी जो टेस्ट वगैरह वो स्टार्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत आप सब बखूबी वाकिफ हैं, इस नाम से जाना पहचाना सा नाम है, इनके ड्रामों को लेकर, इनके लटके झटकों को लेकर और इनके आए रोज कोई ना कोई कारनामे करतब जो है वो मंजरे आम पर आए होते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा जो है सुर्खियों में रहती हैं। और जब इनको लगने लगता है कि हाँ मैं अब जो है मीडिया से आउट हो रही हूँ, स्क्रीन से आउट हो रही हूँ, तो ये फिर कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे देती हैं जिसकी वजह से ये फिर जो है वो जबान पर आ जाती हैं। अब जो बात मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि राखी सावंत जिसकी वजह से फिर से सुर्खियों में आई हैं, वो वजह कुछ ऐसी है कि राखी सावंत को दिल के मर्ज में जो है मुबतला हो चुकी हैं, राखी सावंत को कैंसर की तशखीस भी हो रही है और राखी सावंत के जो किडनीज हैं वो भी काम नहीं कर रहे, यानी कि राखी सावंत की तबीयत को लेकर जो है वो आजकल अपनी सुर्खियों में है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राखी सावंत कुछ दिन कबल जो है वो दुबई के टूर से वापस आई, दुबई में हैंग आउट करके, चिल आउट करके जैसे ही इंडिया में वापस आती हैं, एयरपोर्ट की कुछ पिक्चर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत खूबसूरत से बाल बनाए हुए हैं और बालों में इन्होंने रेड रुमाल भी अरबियों वाला पहना हुआ है, सुर्ख रंग का कोई लिबास भी इन्होंने, कोई ट्राउजर टाइप इन्होंने ऐसा पहना हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से खुश खुर्रम जो है वापस आई हैं। जब ये घर पहुँचती हैं तो इनको सीने में बहुत शदीद तकलीफ महसूस होती है, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसके बायस इनको हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, एडमिट किया जाता है, वहाँ पर इनकी जो टेस्ट वगैरह वो स्टार्ट हो जाते हैं और जो इनिशियली इनकी रिपोर्ट्स आती हैं वो ये रिपोर्ट्स आती हैं कि राखी सावंत जो है दिल के आर्जे में मुबतला है, यानी कि इनको दिल की कोई ना कोई बीमारी है। जो अभी तक मजीद आगे इसको डायग्नोज करेंगे फिर पता चलेगा कि इनको दिल का ये मर्ज जो है वो लाहक है। इसके अलावा अगर इनके पेट के दर्द की बात की जाए तो पेट दर्द की वजह से जब इनके मजीद इनके स्कैन वगैरह हुए तो उसमें ये पता चला कि राखी सावंत के पेट के अंदर ट्यूमर है और ये कहना गलत नहीं होगा, डॉक्टर्स फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कैंसर भी हो या ये एक सिंपल ट्यूमर हो, यानी कि मजीद इसके भी बायोप्सी होगी, मजीद ये डायग्नोज होगा, टेस्ट इसके होंगे, फिर पता चलेगा कि क्या ये एक नॉर्मल ट्यूमर था या ये कैंसर था। और इसके अलावा तीसरी जो एक अफसोसनाक खबर है वो ये है कि राखी सावंत के जो किडनीज हैं वो भी काफ़ी हद तक कम काम कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर वर्किंग अपनी नहीं कर रहे हैं। तो ये थी वो सूरत हाल जिसकी वजह से राखी सावंत आज कल जो है वो सुर्खियों में है और पूरे इंडिया में ये सुर्खियों में छाई हुई है कि राखी सावंत की जो तबीयत है वो नासाज हो चुकी है। चूँकि आप सब जानते हैं कि राखी सावंत एक ड्रामा क्वीन है और आए रोज़ इनका कोई ना कोई ड्रामा जो है वो मंजर आम पर आया होता है और ये कभी खुद कोई ना कोई ऐसा ड्रामा कर देती हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में रहना पसंद करती हैं, कभी ये मुसलमान होने का नाटक करती हैं, कभी रोज़ा रखने का नाटक करती हैं, कभी रोज़ा खोलने का नाटक करती हैं और कभी मुसलमान बनकर फातिमा अपना नाम रख के एक मुस्लिम गेटअप अपना के मुस्लिम होने का जो है वो नाटक करती हैं, उसके साथ जब थोड़ी देर बाद दोबारा अपने उसी ड्रेसिंग में उसी फॉर्म में आती हैं तो कहती हैं कि भाई मैं इस तरीके के छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी तो मैं कमाऊँगी कहाँ से, खाऊँगी कहाँ से, मुझे कौन ला के देगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब कि उसके ऐसे ड्रामे होते हैं, इन ड्रामों की वजह से, इस बेस की वजह से जो आवाम है उसने राखी सावंत की बीमारी को बहुत ज़्यादा लाइट लिया, उन्होंने ये कहा कि राखी सावंत जो है ये मजीद कोई ना कोई ड्रामा कर रही है, अपने आप को जो है मासूमियत में या सिंपथीज लेने के लिए ये ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, जिसको जो है जिसकी तस्दीक राखी सावंत के जो फर्स्ट हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड, उन्होंने आकर तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मैं, मुझे भी शाम में बुलाया गया और बताया गया कि राखी सावंत जो है हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मैंने आके देखा है कि सच में राखी सावंत जो है बेसुध हॉस्पिटल के बेड
के ऊपर पड़ी हुई हैं और उनको कोई होश नहीं है। ड्रिप्स आप उनके हाथ पे लगे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सुइयां वगैरह उनके हाथ पे लगी हुई हैं मॉनिटरिंग के लिए। ये इन्होंने एक ये भी मॉनिटर भी लगाया हुआ है ताकि उसकी जो जो भी सेचुरेशन है, उसका पल्स है, उसका बीपी है, वो सारा वो भी मॉनिटर किया जा सके। यानी कि उसके जो एक्स हस्बैंड है उन्होंने आके ये वाजे किया है कि राखी सावंत सच में बीमार है। मजीद इस चीजें जैसे जैसे डायग्नोज होंगी तब ही पता चलेगा कि क्या ये राखी का सिर्फ ड्रामा था सिंपथी लेने के लिए या लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, या राखी सावंत सच में बीमार है। अगर तो वो सच में बीमार है तो राखी गेट वेल सून, और अगर ये ड्रामा है तो बहुत ही घटिया ड्रामा है।